आज हम एक सिंपल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे HEG और सुज़लॉन का। हम ये दो कंपनी का बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अर्निंग्स रिपोर्ट, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये सब देख के आपको यही दिखाएंगे कि हमें पहले से कैसे मालूम होता है कि कौन सा कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, कौन सा कंपनी का फ्यूचर ख़राब है। आज सुज़लॉन 5 साल पहले 23 रुपये का हुआ करता था, आज वो 8 रुपये का शेयर हो गया। और HEG जो 1 साल पहले 360 का हुआ करता था, आज 3600 का हो गया। ये आप भी कर सकते हो। ये वीडियो देखते रहिए और आपको ये पता चल जाएगा कि फंडामेंटल एनालिसिस का अगर बेस पकड़ के चलोगे आप, तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस से पहले एक कंपनी प्रोफाइल कर लेते हैं। पहले ये तो देख लेते हैं कि HEG का जो कोर बिजनेस है वो है क्या, ये कहाँ से इन लोग को पैसा मिलता है। तो HEG का जो एक प्राइमरी बिजनेस है वो है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में, और यहीं से उन लोग को 80% रेवेन्यू मिलता है। फिर एक डिवीजन है वो लोग का पावर सेक्टर में, वो लोग हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाते हैं। और फिर और एक सेक्टर है वो लोग का कार्बन स्पेशलिटीज़ में, जहाँ पे वो लोग हीट एक्सचेंजर्स बनाते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। और सबसे बढ़िया और सबसे लास्ट वाला जो एग्ज़ाम्पल है उसे कहते हैं एक्टिवेटेड कार्बन फैब्रिक्स। तो ये जो मटेरियल वो लोग बनाते हैं उससे हम एयर कंडीशनर में यूज़ करते हैं, फिल्टर्स में, एयर प्यूरीफायर फिल्टर्स में यूज़ होता है वो, एयर पोल्यूशन मास्क में यूज़ होता है, और जो सिगरेट पीते हैं उनके फिल्टर्स में भी ये एक्टिवेटेड कार्बन फैब्रिक्स रहता है। तो चलिए अब सुज़लॉन का भी कंपनी प्रोफाइल देख लेते हैं। सुज़लॉन का जो प्राइमरी बिजनेस है वो है विंड टर्बाइन सेक्टर में, और यहीं से उसको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। सोलर एनर्जी स्पेस में भी वो लोग का एक सेगमेंट है, जहाँ से वो लोग सोलर एनर्जी कॉम्पोनेंट्स बनाते हैं, पार्ट्स बनाते हैं, और वो अपने खुद के कंपनी में भी लगाते हैं और बाकी कंपनी को बेच भी देते हैं। फिर वो लोग का और एक जो अच्छा सेगमेंट है रेवेन्यू का, वो है मेंटेनेंस सर्विस। वो लोग जो भी विंड टर्बाइन्स बनाते हैं या सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनका जो मेंटेनेंस होता है, सुज़लॉन वहाँ से वो लोग को आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस का चार्ज लेते हैं, और यहीं से उन लोग का एक रेवेन्यू का पोर्शन आता है। और जो आखिरी वाला है, विच इज़ कॉल्ड दी सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ से वो लोग पार्ट्स बनाते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं, जैसे कि जनरेटर्स, हब्स, रोटर ब्लेड्स, टावर्स, ये सब बना के वो लोग अपने बिजनेस में भी लगाते हैं और इसको वो बेच भी देते हैं। तो यहीं से वो लोग का स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यूज आता है। तो आज का टॉपिक फंडामेंटल एनालिसिस है, और फंडामेंटल एनालिसिस सबको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर वैसे ये है नहीं। अगर आप इसको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल के तरीके से देखोगे तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ ये करना है कि एक कंपनी को एक आदमी के हिसाब से मान के चलना पड़ेगा। एक आदमी का जो संपत्ति है उसे आप एक कंपनी के रूप से देखोगे तो वो उसका शेयर कैपिटल हो जाता है। एक कंपनी का जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, जहाँ से उसको पैसा मिलता है, वही एक आदमी के लिए सैलरी बन जाता है या इनकम फ्रॉम बिजनेस बन जाता है। और एक आदमी का कर्जा या उधारी मतलब एक कंपनी का डेट। बस आपको यही तीन चीज जानना चाहिए बैलेंस शीट एनालिसिस करने के लिए। तो चलिए बैलेंस शीट एनालिसिस शुरू करने से पहले पिछले वाला एग्जांपल फिर से दोहरा लेते हैं। एक कंपनी को एक दोस्त के हिसाब से देखिए। अगर आप एक दोस्त को पैसा उधारी देते हो तो आप पहले ये तो ज़रूर देख लेते होगे कि मेरे को पैसा मिलने वाला है कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या देखते हो कि उसका, मेरा दोस्त का प्रॉपर्टी कितना है, संपत्ति कितना है, उसका सैलरी कितना है, उसका इनकम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर आप ये भी देखते होंगे कि वो उसका बाहर से और कितना कर्जा है, यानी मेरा पैसा वापस दे पाएगा कि नहीं। सेम थिंग गोज फॉर द कंपनी। आप कंपनी में जब एनालिसिस करते हो तो आपको तीन चीज़ ज़रूर देखना होगा। एक होता है शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व्स, और तीसरा होता है टोटल डेट। अगर अपना कंपनी जिसमें हम पैसा लगा चुके हैं वो अपना शेयर बेच बेच के अपना लोन्स यानी कर्जा चुका रहा है,
तो लॉन्ग टर्म में वो कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएगा, कभी ना कभी तो उसका प्रॉपर्टी या एसेट्स ख़त्म तो हो ही जाएगा। तो उसलिए कंपनी को इनकम करना बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनी इनकम करेगा तो इनकम से ही वो अपना डेट चुकाएगा, और अगर ऐसा कंपनी मिलता है जो अपना डेट कम करते जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये पॉजिटिव होता है कंपनी के लिए। तो चलिए HEG का बैलेंस शीट का एनालिसिस कर लेते हैं। ये 5 साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है हमारे पास। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल नोट कर लेते हैं। सो 2013 में उसका शेयर कैपिटल था 39.96 करोड़, उसका रिजर्व्स 905 करोड़ का था, और उसका टोटल डेट था 1215 करोड़ का। ठीक है, अब 2014 में आते हैं। 2014 में कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल 39.96 करोड़ ही रहा, मतलब अपना संपत्ति को वो छुआ नहीं, प्रॉपर्टी एसेट्स सब इंटैक्ट। रिजर्व्स बढ़ गया, मतलब इनकम उसका इंक्रीज हुआ टू 959 करोड़, वेरी पॉजिटिव साइन। अब देखते हैं डेट का क्या हुआ। टोटल डेट मतलब उधारी उसका 1215 करोड़ से 833 करोड़ तक आ गया, वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अ कंपनी, और यही आपको ढूंढना चाहिए। अब चलिए 2015 में आते हैं। 2015 में भी शेयर कैपिटल सेम, एसेट्स एवरीथिंग इंटैक्ट, रिजर्व्स फिर से बढ़ गया, इनकम हैज इंक्रीज्ड 974 फ्रॉम 959। टोटल डेट हैज ऑल्सो डिक्रीज्ड टू 828 करोड़, अगेन अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द कंपनी। फिर 2016 में सेम शेयर कैपिटल और संपत्ति एसेट्स एवरीथिंग इंटैक्ट, रिजर्व्स थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, बट लुक एट द डेट, डेट 828 करोड़ से 630 करोड़ में आ गया। तो द कंपनी हैड स्पेंड मैक्सिमम इनकम ऑन रिड्यूसिंग द डेट, वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। एक कंपनी जितना अपना उधारी कम करेगा उसको उतना ही कम इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उसके उधारी पे। अब चलिए मार्च 2017 का बात करते हैं। टोटल शेयर कैपिटल, संपत्ति एसेट्स एवरीथिंग इंटैक्ट, रिजर्व्स एट 912 करोड़, थोड़ा कम हुआ रिजर्व्स। टोटल डेट हैज ऑल्सो रिड्यूस्ड टू 547 करोड़, सो अगेन अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर द कंपनी। तो आपको यही देख के पता चल जाता है कि एक कंपनी जो लगातार अपना रिजर्व्स बढ़ा रहा है या कोशिश कर रहा है बढ़ाने का, और अपना जो डेट है उसे कम कर रहा है एक फुल अग्रेशन के साथ, दिस इज वाई वी कुड हैव स्पॉटेड HEG अर्लियर, और हमें पता चलता कि ये कंपनी बहुत कोशिश कर रहा है बनने का, टू सक्सीड, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। वी विल लुक एट अर्निंग्स रिपोर्ट भी देखेंगे, फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखेंगे इसके बाद और अच्छे से जानने के लिए, बट यहाँ से आपको एक बेसिक पिक्चर मिल जाता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस फ्यूचर में कैसा होने वाला है, एंड दैट इज व्हाट वी सॉ। नेटवर्थ भी आप देखिएगा, नेटवर्थ बेसिकली नेटवर्थ टू डेट, मतलब अगर वो 950 करोड़ उसका नेटवर्थ है और डेट है उसका 547 करोड़, मतलब दो रुपया खुद का और 1 रुपया वो बाहर से लिया हुआ है। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी, मतलब उधारी में वो चल नहीं रहा है उतना फोर्स में, वो ज़्यादा अपना खुद का पैसा से कंपनी चला रहा है। अभी चलिए सुजलॉन का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं सुजलॉन में क्या हुआ। तो अब चलिए सुजलॉन का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये कंपनी आज 30 रुपये का शेयर हुआ करता था 2013 में, और आज 2017 या 18 में उसका प्राइस 8 रुपये पर शेयर हो गया। तो ये आपको अभी इसी रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले टोटल शेयर कैपिटल देखते हैं। 2013 में उसका टोटल शेयर कैपिटल था या टोटल संपत्ति था 361 करोड़, ठीक है। 2013 में ही उसका रिजर्व्स था
नेगेटिव मतलब लॉस में चल रहा था 2013 से 35 करोड़ का, और उस टाइम में उसका टोटल डेट था 13,690 करोड़। तो नेट वर्थ टू डेट रेशियो मतलब अगर ये हुआ 1 रुपया तो ये हुआ 13 रुपया, मतलब 1 रुपया खुद का और 13 रुपया उधारी में चलने वाला ये कंपनी है सुज़लॉन 2013 में। तो आपको ऐसा कंपनी में घुसने का ज़रूरत ही क्या है जो कंपनी अपना पूरा पैसा उधारी में चला रहा है। तो अभी चलिए 2014 का एनालिसिस करते हैं। तो 2014 में कंपनी अपना एक्विटी बेच के 503 किया। एक्विटी बेचने के बाद ही यहाँ पे शेयर कैपिटल बढ़ गया, तो पहले ही नेगेटिव साइन मिल गया हमें। फिर देखते हैं रिजर्व्स का क्या हुआ, मतलब कंपनी का अर्निंग्स। तो कंपनी का अर्निंग्स यहाँ पे -35 करोड़ से -1,041 करोड़ हो गया। मतलब कंपनी पहले ही लॉस में था, उसके बाद 1,000 करोड़ का और लॉस हुआ कंपनी को। चलिए कोई नहीं, अब देखते हैं टोटल डेट। तो कंपनी अपना एक्विटी डाइल्यूट करने के बाद भी, सब लॉस करने के बाद भी उसका डेट बढ़ के 15,160 करोड़ हो गया। चलिए अगर अभी भी लगता है कि कंपनी में कुछ स्कोप है अच्छा होने का, तो 2015 का डेटा भी देख लेते हैं। टोटल शेयर कैपिटल फिर बढ़ के 747 हुआ, मतलब शेयर और डाइल्यूट हुआ, मतलब और शेयर बेच के वो अपना कैपिटल बढ़ाया। तो चलिए अभी रिजर्व्स देखते हैं। 1,040 करोड़ से 9,863 करोड़ का लॉस हुआ कंपनी को, कोई बड़ा बात नहीं। तो टोटल डेट कितना हुआ, 15,362 डेट। मतलब शेयर कैपिटल भी कम किया, लॉस भी किया 9,000 करोड़ का, फिर भी डेट बढ़ गया कंपनी का। तो आपको 3 साल का डेटा देख के ही तो पता चल जाएगा कि कंपनी का फ्यूचर कहाँ है, कहाँ से आपको ये सब कंपनी में रिटर्न मिलेगा। 2016 में आते हैं, यहाँ पे टोटल शेयर कैपिटल 1,000 करोड़, फिर से लिक्विड डाइल्यूट किया इक्विटी को। रिजर्व्स चलिए थोड़ा सा 1,000 करोड़ जैसा कम हुआ रिजर्व्स, मतलब नेगेटिव लॉस कम हुआ ये वाला साल में। डेट भी थोड़ा कम हुआ, शायद कंपनी का ट्रेजेक्ट्री चेंज हो रहा है। अब 2017 में आते हैं, 2017 में कंपनी का फिर शेयर लिक्विडेट नहीं, शेयर बाईबैक हुआ होगा, उसे थोड़ा शेयर कैपिटल बचा। यहाँ पे फिर 1,000 करोड़ का उसको, 200 करोड़ का रिलीफ मिला, पर टोटल डेट यहाँ से कम होके 6,900 करोड़ हुआ। 16 और 17 में कंपनी थोड़ा रिवाइव किया, पर माय पॉइंट इज व्हाई वुड यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी जहाँ पे उसका नेटवर्थ तो छोड़िए, मतलब वो लॉस में चल रहा है, खुद का एक पैसा नहीं है, साथ ही साथ 7,000 करोड़ का डेट लेके बिजनेस चला रहा है, उधारी का पैसा से बिजनेस चला रहा है। तो व्हाई वुड अ कंपनी लाइक सुज़लॉन इंक्रीज इन वैल्यू, एंड व्हाई वुड अ कंपनी लाइक आपका HEG विल नॉट इंक्रीज इन वैल्यू। आप खुद ही लॉजिक लगा के देखिए, ये 5 साल का ये कुछ कुछ डेटा देख के आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि कंपनी जा कहाँ रहा है। अभी तक हमारे पास मार्च 2018 का रिजल्ट आया नहीं, अगर हम लोग देखेंगे तो शायद 17 से भी खराब रिजल्ट आया होगा। हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे टू एनालाइज वॉट इज हैपनिंग विद सुज़लॉन, बट ओवरऑल आपको एक पिक्चर तो मिल जा रहा है कि कंपनी जा कहाँ रहा है। देखिए मेरा पॉइंट यहाँ पे आपको ये नहीं बोलना है कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय सुज़लॉन या सेल सुज़लॉन। आपको ये पता होना चाहिए कि 5 साल का बैलेंस शीट एनालिसिस करके आपको कैसे पहले से पता होता है कि कौन सा कंपनी ग्रो करने वाला है और कौन सा नहीं।
तो वही मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। आप 2013 से 17 का अगर सुजलॉन का रिजल्ट देखते हो तो जो 30 रुपये का शेयर है वो आस्ते आस्ते गिर क्यों जा रहा है वो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा ये बैलेंस शीट एनालिसिस करके। और सेम चीज अगर आप HEG का भी देखोगे तो वो शेयर क्यों इतना जल्दी बढ़ रहा है उसका भी एक आइडिया मिल जाएगा बैलेंस शीट ही देख के। तो चलिए जल्दी से HEG का क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। हमारे पास एक साल का क्वार्टरली रिजल्ट्स है 2017 मार्च से लेके 2018 मार्च तक। यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक जो डेटा है वो है टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कंपनी का जो ऑपरेशनल बिजनेस है वहाँ से उसका टोटल रेवेन्यू कितना आया, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए देखते हैं इसका इंक्रीज या डिक्रीज हुआ या क्या हुआ। तो मार्च 2017 में इसका टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस 257 करोड़ में था, ठीक है। जून 17 में इसका इनकम था 205 करोड़, सो थोड़ा घटा था। फिर सितंबर में इसका इनकम इंक्रीज्ड टू 409 करोड़, डबल हो गया इनकम, वेरी पॉजिटिव साइन। दिसंबर 2017 में फिर से 400 पॉइंट या 400 करोड़ का इसको टोटल इनकम डबल हुआ, मतलब बड़ा, फ्रॉम 409 क्रोस टू 842 क्रोस, वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। और फिर फाइनली मार्च 2018 जो रिसेंट वाला क्वार्टर रिजल्ट्स है उसमें 842 क्रोस से 1292 क्रोस तक ये शेयर का वैल्यू बढ़ गया। जून से लेके मार्च तक द कंपनी हैज अ ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल और ये दिख रहा है। यहीं से मतलब एक साल पहले शेयर का प्राइस 360 के आसपास हुआ करता था, आज इतना हाई इनकम्स है उसका कंपनी का क्वार्टर ओवर क्वार्टर, उसलिए उसका शेयर का प्राइस 3600 के करीब चला गया था। तो चलिए सुजलॉन का एक जल्दी से क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो सुजलॉन का टोटल इनकम मार्च 17 में 3713 क्रोस था। फिर जून क्वार्टर में इसका टोटल इनकम कम होके 2247 क्रोस में हुआ, विच इज़ अ नेगेटिव साइन फॉर द कंपनी। फिर सितंबर क्वार्टर में भी इसका इनकम 2247 से कम होके 641 क्रोस में हुआ। सो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द कंपनी इज गोइंग डाउन, मतलब इसका इनकम का प्रॉस्पेक्ट कम होते दिख रहा है। फिर सितंबर 17 वाला क्वार्टर में थोड़ा रिवाइव किया इसका अर्निंग्स, 1726 क्रोज हुआ। और फिर रिसेंट वाला जो क्वार्टर है मार्च 18 वाला क्वार्टर, यहाँ पे फिर इसका टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस गिर के 1551 हो गया। सो अ कंपनी हुज टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस और हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट स्टेबल इज अ वेरी रिस्की कंपनी टू इन्वेस्ट इन। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू बाय और सेल सुजलॉन, नीदर माई बाय रिकमेंडिंग यू टू बाय और सेल HEG। मेरा एक ही पॉइंट है आपको ये सिखाना कि कंपनी का इवैल्यूएशन कैसा करते हैं। हाउ वुड यू अंडरस्टैंड विच कंपनी टू चूज एंड विच कंपनी टू अवॉइड, ये कुछ कुछ चार्ट्स देख के आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कंपनी जा कहाँ रहा है। तो अभी चलिए HEG का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं। तो HEG मार्च 2017 में 0.02 क्रोस का लॉस में था। जून 2017 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 6.83 क्रोस। तो ये दोनों जगह थोड़ा खराब प्रॉफिट का मार्जिन्स दिख रहा था, बट इसका भी रीज़न आपको अलग स्टेटमेंट्स में दिखेगा। सितंबर में जब इसका टर्न अराउंड स्टोरी आया तो ये इसका प्रॉफिट्स लॉस 6.83 क्रोस से बढ़ के 161 क्रोस का प्रॉफिट हुआ, वेरी पॉजिटिव साइन। दिसंबर 17 वाला क्वार्टर में, एक सिर्फ एक क्वार्टर में मत जज कीजिए, इनफैक्ट दो क्वार्टर में भी मत जज कीजिए, ओवरऑल एक पिक्चर देखिए कंपनी का। दिसंबर 2017 वाला क्वार्टर में प्रॉफिट्स 161 क्रोस से जंप होके 531 क्रोस हो गया, वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। एंड फाइनली मार्च 18 वाला क्वार्टर में प्रॉफिट्स 919 क्रोस हो गया। सो
the trajectory of the company, मतलब company का growth structure very positive from the profit and loss before tax दिख रहा है हमें. अभी चलिए Suzlon का देख लेते हैं. तो Suzlon का profit and loss before tax अगर हम देखें तो March 2017 में इसका profit and loss था 426 crores. ठीक है, good for the company. 17 में, June 17 में इसका profit and loss कम होके 32 crores हो गया, negative for the company. फिर September में इसका loss बढ़ के -378 crores हो गया, again a negative sign for the company. फिर December में थोड़ा recover किया company, फिर वापस March में the company went into a loss of 811 crores due to poor income from operations. तो यहीं से और एक picture मिल जाता है हमें कि Suzlon का price, share price इतना गिर क्यों रहा है, right? ये video देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आपको ये video अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मेरा जो नया फेसबुक पेज है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं. आपको अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रश्न हो आपका, प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज पे कमेंट कीजिए और मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा.